हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोनार्क क्रोशेट। इसमें मैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में क्रोशिया करना सिखाती हूँ, कैसे आइटम बनाते हैं बहुत सिंपल वे में बताती हूँ। और जितने भी आइटम हैं मेरे बहुत सिंपल हैं, जो कोई भी बना सकता है, बिगिनर्स भी बना सकते हैं। कुछ कुछ आइटम हैं जो थोड़े से सेकंड लेवल पे मैंने बताया है, तो वो आप जब बिगिनर्स हैं और पहले अगर आप सीख चुके हैं या मेरे थ्रू सीख रहे हैं तो उसके बाद आप बनाना चालू कर देंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्रोशिया चलाना इजी है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ आज नेक्स्ट राखी बनाना, क्योंकि राखी का त्यौहार बहुत नज़दीक है। तो कुछ लोग हैंडमेड बना के अपने भाई को पहनाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपने खुद के हाथों से बना के और भाई को पहनाते हैं, या छोटे छोटे बच्चों के लिए क्यूट क्यूट राखी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए हम सीखते हैं राखी कैसे बनाते हैं, क्या क्या आइटम लगेगा हमारे पास। सबसे पहले मैं बता दूं ऊन के बारे में, तो ये वाला मैं ऊन ले रही हूँ, ये एंकर थ्रेड का है, मर्सराइज नीटिंग कॉटन 4057, इसका कोड है और 50 ग्राम का है। ये प्रधान एम्ब्रॉयडरी से लिया गया है। उसके बाद मैं कलर यूज़ करूँगी ये वाला, इसका थ्रेड थोड़ा सा टाइट है, मीन्स ट्विस्टेड है। और सो अगर आपके पास इस टाइप के धागे नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस टाइप का 10 रुपीज़, 25 रुपीज़ जो शॉप पे अवेलेबल है, आपके जो नियर जितना भी जो भी शॉप है जहाँ ऊन मिलता हो, आइटम मिलता हो, सो आप उसको ले लीजिए। और ये देखिए, इसका जो धागा है, इसका भी धागा पतला ही है और नरम है, बट ये ऊन है। मैं बताऊंगी इससे, बट अगर आपके पास ये है तो आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ के बारे में जानने के लिए, तो आपको डेकोरेशन करने के लिए राखी को इस टाइप की माला आती है, मीन्स ये माला में ही मिलती है, इस टाइप के मोती आते हैं और इस टाइप के रिंग आते हैं। ये डेकोरेशन के लिए आप इसमें जो भी आपको लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, और ये वाला मोती भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इस टाइप के मोती भी ले सकते हैं, और नहीं ग्लू तो या तो आप इस टाइप के ले सकते हैं, फैब्रिक ग्लू आता है, ये कुंदन चिपकाने के लिए ही आता है। अच्छा, एक और बात है कि आप डेकोरेशन के लिए इस टाइप के कुंदन आते हैं वो भी ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास घर में रखे होंगे पुराने, अगर आप किसी दूसरे आइटम से राखी बनाते हो या सूट में आप चिपकाते हो, तो ये आपके घर में हो सकता है, मुझे लगता है हर किसी के घर में होता है। और एक ग्लू और है, ठीक है, ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि ये एकदम पक्का ग्लू है, इससे ज़्यादा निकलता नहीं है। और ये इसलिए कि ये हम धागा यूज़ कर रहे हैं, वो भी कपड़े का ही धागा है, नॉर्मल थ्रेड ही है, तो उसमें यूज़ करते हैं इस टाइप के ग्लू। नॉर्मल आप फेविकॉल जो आता है वो भी आप ले सकते हैं। और सीज़र लगेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है क्रोशिया। क्रोशिया में देखिए, ये ग्रिप वाला है, ये इसमें रबड़ मतलब सिलिकॉन का ग्रिप है, तो ये जो ऑनलाइन मिलता है आजकल लोकल जो शॉप होती है उसमें भी मिल जाता है, तो 2.5 का हम ले रहे हैं। और इसका जो नोक है ये देखिए, इतना पतला है, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो इस टाइप के जो आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। इसमें पतला कोई सा भी चलेगा, नंबर में ऐसे आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि किसी किसी शॉप पे नंबर नहीं मिलता है ये, तो आप पतला कोई सा भी ले लीजिए आपके ऊन के अकॉर्डिंग। वैसे मैं इसमें 8 नंबर ले रही हूँ, ये सिर्फ धागा निकालने के लिए ले रही हूँ, बाकी मैं यूज़ करूँगी ये वाला, ये है 2.5 नंबर। सबसे पहले हम लेंगे ऑरेंज कलर, आपके पास जो भी धागा हो आप ले सकते हैं, कलर आपके अकॉर्डिंग रहेगा। सो हम यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले, सर्कल बनाएंगे, एक
सो हम यहाँ पर सबसे पहले नॉट बनाएंगे। ये नॉट बना लिया हमने। इसके बाद आप एक दो तीन चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे और इसमें आपको बनानी है स्टिचेस सिंगल क्रोशिया की। तो ये छोटा सा सर्कल है, इसके अंदर ही आपको बनाना है, बहुत छोटा सा सर्कल बनेगा। तो एक चेन लेने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहली हमारी चेन हमने बनाई है उसमें हमने स्टिच मार्कर लगा लेना है। सो सभी में हम क्या करेंगे, जो सर्कल है हमारा बीच में जो छोटा सा बना है हमारा सर्कल, उसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। छः अभी एक बनाया है, दो ये दूसरा है, ये तीसरा है, चार, पांच, और इसके बाद हम जहाँ पर स्टिच मार्कर लगाएं उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। सो ये हमारा सर्कल है, काफी छोटा है क्योंकि हम राखी बना रहे हैं, राखी हमारी छोटी ही होती है। इसके बाद हम सभी सर्कल में दो दो एक चेन पहले बनाएंगे और उसके बाद सेम जगह पर हम टू सिंगल क्रोशिया लेंगे, एक दो, और जो पहला जो हमारी स्टिच है वहाँ पर हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे। सभी में हम दो 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 सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे। स्टिच मार्कर आपके पास हमेशा रहना चाहिए, इससे स्टिचेस हमारे पास कितनी है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमें ध्यान रहता है। अगर आपके पास नहीं है, आप खरीद नहीं सकते हैं, तो आपके पास सेफ्टी पिन होगी जो हम साड़ी में लगाते हैं, उसे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हेयर क्लिप होती है छोटी छोटी बॉबी पिन्स, आप उसे भी स्टिच मार्कर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया है कंप्लीट, हमने 12 स्टिचेस बना ली हैं, सभी में दो दो बनानी है। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला स्लिप स्टिच निकाल देंगे और ऐसे स्टिच मार्कर निकालने के बाद आपको स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, ये हो गया है ऐसे, इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे तो हमारा सर्कल अच्छे से टाइट हो जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, वो स्लिप स्टिच करने के बाद हमें चार चेन बनानी है। और जहाँ स्लिप स्टिच किया है वहीं पर एक बार स्लिप स्टिच करेंगे
ऐसे, और सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। फिर हम चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार, और जहां हमने स्लिप स्टिच किया है वहीं पर फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। नेक्स्ट चेन हमारी, उसमें स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे, फिर से एक दो तीन चार, फिर से स्लिप स्टिच उसी जगह पे आपको करना है। ये कर दिया हमारा स्लिप स्टिच, थोड़ा टाइट करेंगे, देन फिर चेन जो साइड वाली है उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, और इसके बाद एक दो तीन चार चेन बनाने के बाद सेम जगह पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये किया, फिर साइड वाली चेन में, ये देखिए हमने जहाँ पर है उसके बाद साइड की चेन में करेंगे ऐसे, फिर चार चेन और स्लिप स्टिच। ये हो गया, बहुत सिंपल है, चेन ही बनानी है। सो ये लास्ट हमारा जो पेटल है चेन वाला, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड इसके नेक्स्ट वाली जो लास्ट चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे, और चार चेन बना के हम स्लिप स्टिच कर देंगे, एक दो तीन चार, और स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हो गई हमारी 12, थोड़ा खींचेंगे और इसको ऐसे कट कर देंगे ये, और जो पतला वाला क्रोशिया मैंने आपको बताया था उससे हम ये वाले से, हम इसे क्या करेंगे, नीचे साइड से इसको ले लेंगे, जहाँ से हमने स्लिप स्टिच किया है उसी साइड से हम इसको ये इसको ले लेंगे पीछे साइड ऐसे। ये और इसको पीछे से हम या तो चिपका देंगे या फिर इसको इसके साथ गठन बांध देंगे ताकि ये टाइट रहे। हम कट बाद में करेंगे जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, ग्रीन थ्रेड है या फिर आपके पास कोई दूसरा कलर है आप उससे इसकी डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने का सिंपल तरीका है, सिंपल से आपको चेन बनानी है, पतले वाले क्रोशिया से आपको बनाना है चेन ताकि बांधने में आसानी रहे। जितना आपको डोरी चाहिए लंबा, बड़े बच्चे के लिए या छोटे बच्चे के लिए या बड़ों के लिए, आप उस हिसाब से नाप लीजिए और उतना आप बना लीजिए। जैसे अपने आप अपने ही, अगर बड़ों का है तो आप अपने ही हाथ को ऐसे नाप सकते हैं ना। तो चेन बना लेंगे हम सिंपल सी। सो ये हो गई है डोरी हमारी कंप्लीट।
इस पे हम यहाँ पर राखी आप बीचों बीच रखेंगे। ये धागा हम बाद में कट करेंगे और इसको हम बीचों बीच रखेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना है, बैक साइड के लिए एक कपड़ा रेडी करना है। या तो आप कागज़ से भी इसको, जो हमारा नॉर्मल आप धागा सॉरी राखी खरीदने जाते तो पीछे साइड में जो कागज़ लगा रहता है, आप चाहें तो इसको अच्छे से टाइट बनाने के लिए कागज़ की तरह जगह पे आप कपड़ा कोई सा भी कॉटन का ले सकते हैं और इसको पेस्ट कर सकते हैं या तो स्टिच कर सकते हैं। नॉर्मल किसी भी थ्रेड से आप स्टिच कीजिए। ये मैंने कॉटन का एक कपड़ा को सर्कल में कट कर लिया है, तो आपको इतना ही आपको इसको लगाना है। आप चाहे तो और छोटा ले सकते हैं। और बैक साइड करेंगे, यहाँ पर हम धागा को बीच में रखेंगे यहाँ पे। और या तो आप फेवी बॉन्ड होता है उससे आप इसको कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर इसको ऐसे लगा लिया, ये धागा दोनों यहाँ पर आ जाएगा। क्या होता है, ये सिक्योर भी हो जाएगा, निकलेगा नहीं ये धागा। अगर आप इसके साथ ही इसको पेस्ट कर देंगे तो ये धागा सिक्योर हो जाएगा। आपको कहीं पर भी इसको हाइड करने की, जैसे हम क्रोशिया में करते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें कंप्लीट चिपक जाएगा तो निकलेगा भी नहीं। सो ये हमारा, इसके साथ हमने इसको पेस्ट किया और ऐसे आपको इसको लगा लेना है। ये जब ये सूख जाएगा तो हम ये वाला एक्स्ट्रा धागा हमारा कंप्लीट कट कर देंगे। सो ये हमारा यहाँ पर देखिए सूख गया है पूरा। अभी हम यहाँ पर इसको कट कर लेंगे, ये जो धागा है इसको हम कट कर लेंगे। और आप चाहे तो आप इसमें कुंदन लगा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए इसको फटाक से डेकोरेट कर लेते हैं। सो ये राखी बनके रेडी है। ये सूख जाएगा थोड़ी देर में। और वीडियो कैसा लगा, राखी कैसी लगी, आप इसमें कलर में वेरिएशन कर सकते हैं और कोई से भी ऊन से आप बना सकते हैं।
मैंने कॉटन लिया, आप वूल का ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कलर कलरफुल लेंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। और कैसी लगी राखी, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे और जल्दी मिलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारे क्यूट से आइटम के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।